चाहे वो चंबा हो, चाहे वो कुपी हो, चाहे वो मंडी हो, चाहे वो सिरमौर हो, 90% विकास हिमाचल प्रदेश के इतिहास में एकमात्र लीडर राजा वीरभद्र सिंह जी ने किया है। जब से हमारा देश आजाद हुआ है तब से आज तक आप सभी जानते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय गरीबों के मसीहा है। देश में बहुत सारी नई उन्होंने नीतियां लाई है और देश के अंदर जो पताल पृथ्वी और आसमान में करप्शन होती थी उसको मिटाने के लिए अभियान चलाया है। उसी कड़ी में चौपाल भी देश को बचाने के लिए देश के साथ नरेंद्र मोदी जी के साथ जुड़ा है। प्रदेश में इस समय पुलिस एंटी रोमियो अभियान के तहत मंचलों पर कार्यवाही करने में लगी हुई है, तो दूसरी ओर जनता भी ऐसे मंचलों को सबक सिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। मामला संभल का है, जहां एक युवती को मंचला काफी समय से फोन पर परेशान कर रहा था, जिसकी जानकारी युवती ने अपने परिजनों को दी तो उन्होंने मंचले को पकड़कर जमकर पिटाई की। इस दौरान युवती के परिजनों ने मंचले को सबक सिखाने के लिए गंजा करवा दिया। वहीं इस घटना के बाद पंचायत ने मंचले से माफी मंगवाकर मामले को खत्म कर दिया। गौरतलब है कि सूबे का निजाम बदलते ही पुलिस एक्शन में दिखाई दे रही है।